चलो जी, गुड मॉर्निंग. आज बेसिकली ये फोर्थ लेक्चर होगा हमारा आई बिलीव. इसमें हमने स्ट्रीट मॉडलिंग और लोकेशन को मैंने करना है. यूजुअली दैट डिपेंड्स ऑन द यूज़र इटसेल्फ कि आप क्या करते हैं. जैसे लास्ट प्रोजेक्ट में हमने प्रोजेक्ट सेट किया था लास्ट लेक्चर में. अब सम पीपल प्रेफर टू वर्क ऑन कैरेक्टर्स फर्स्ट और कैरेक्टर मॉडलिंग पर काम करते हैं पहले, फिर लोकेशन पर जाते हैं. मुझे ये होता है कि मैं लोकेशन वगैरह इन्वायरमेंट पहले सेट कर दूँ, फिर मुझे थोड़ी पिक्चर दिमाग में बन जाती है कि मुझे कैसे क्या फेस करना होता है. तो वी स्टार्ट विद द लोकेशन मॉडलिंग फर्स्ट और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू अवर स्टोरी सीन हमारा ये था कि कैरेक्टर जो है एक मॉन्स्टर वो वॉक करता हुआ आ रहा है, तो उसको अभी हमें दिखाना है. पर जो स्टोरी बोर्ड हमने की थी उसमें ब्लैंक एनवायरनमेंट था, लेकिन आई थॉट लेट्स नॉट यूज अ ब्लैंक एनवायरनमेंट, लेट्स यूज अ सिंपल स्ट्रीट साइन. तो एक सिंपल सी स्ट्रीट बना देते हैं और कुछ हाउस मॉडल्स मेरे पास पड़े हैं वो हम पॉपुलेट करके एक एनवायरनमेंट को फिलअप कर देते हैं. So this is a blank environment. Usually we start with what we do is if I go into my poly and where is my polygon? Yes, theek. So humne start kar diya ek simple polygonal plane se and hang on your system. Okay. Chale. So once we have a polygonal plane available, to let's start kidhar gaya BQ system. If I go into my channel box and so polyplane and polyplane ki humne jo height hai wo de di, for example 15 बहुत कम है. सो लेट मी फॉर एग्जांपल गिव इट 50 और विड्थ इसकी हम दे देंगे 15. दैट शुड डू द ट्रिक. लेट्स जस्ट गिव इट लिटिल बिट मोर 20. ठीक है. इनफैक्ट लेट्स जस्ट हैव इट इवन मोर जेनरस. लेट्स मेक इट 50. 30 शुड डू द ट्रिक. ठीक है. 30 by 100 का हमने एक पैच बना दिया रोड का. बेसिकली दिस इज सपोज टू बी माई रोड और फिर इस रोड से हम आगे जो है वो बाकी की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे. फॉर दैट जो बेसिकली एक सेगमेंट आ गया, उसके बाद आई वुड गो इनटू द सब डिविजनल एक्सिस और सॉरी बहुत तंग कर रहा हूँ. विड्थ में भी बंद कर दी, हाइट में भी बंद कर दी. मुझे ज़्यादा इसमें सेगमेंट्स नहीं चाहिए. अगेन बिकॉज वी आर डेवलपिंग एन एनवायरनमेंट, तो उसमें हमें कोशिश ये भी करनी है कि मिनिमम सेगमेंट्स होने चाहिए ताकि सीन ज़्यादा हमारा हैवी ना हो. बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे तो दे वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. नाउ अब आई हैव अ बेसिक पैच ऑफ अ रोड और फिर उसको बाद में डुप्लीकेट करते चाहेंगे एज पर नेसेसिटी. तो ये बेसिक रोड बन गया. फुटपाथ बनाने के लिए मैं इसी के दोनों एजेस सेलेक्ट की. आई कैन गो इनटू माय फ्रंट व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू नहीं, आई गेस ये राइट व्यू होगा. फ्रंट व्यू ठीक था. ओके. और फ्रंट व्यू में जाने के बाद हमने इसको एक्सट्रूड करा दिया. दैट शुड डू एक्सट्रूजन. अगेन माया पता नहीं कि मेरा बहुत स्लो चल रहा है. इसको थोड़ा सा हमने एक्सट्रूजन करा के हमने फॉर एग्जाम्पल 1 बॉक्स तक इसकी विड्थ दे दी. देन अगेन आई विल डू 1 मोर एक्सट्रूजन और इसको हमने पाथ दे दिया यहाँ तक. राइट क्लिक गो इनटू पर्सपेक्टिव टू सी दिस, यू हैव योर फुट पाथ ऑलरेडी डेवलप. इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं बिकॉज ये पे मुझे एक लॉन्ग रोड की सीक्वेंस जो थी वो चाहिए थी. ठीक है. तो ये मेरे पास एक पैच ऑफ रोड आ गया. अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि फिर हम एजेस में चले गए. एक एज ये सेलेक्ट की, सिर्फ सेलेक्ट इस एज की ओर किया. एंड इफ आई क्लोज दैट टूल बॉक्स में आने के बाद बेवेल कर देंगे हम इसके एजेस को. थोड़ा सा ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन कम कर दिया ताकि ये जो रेंडरिंग में मुझे एज देती वो नाइसली एंड स्मूथली नज़र आए. फिर डिटेल ऑन फुटपाथ आपको कैसे चाहिए डिपेंड्स ऑन दैट. यू कैन ऐड दैट लेटर ऑन एज वेल. फॉर मी आई सेड दिस इज़ गुड इनफ. एंड सम पीपल लाइक टू ड्रॉ द गटर्स एज वेल. अगर आपको गटर्स दिखाने हैं तो यू कैन ड्रॉ मॉडल दैट. मेरे सीन्स में इतनी वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये मेरे पास फुटपाथ का रोड कम्प्लीट हो गया. इस रोड को टेक्सचर कर लेते हैं वेरी क्विकली. सो वी गो इनटू माय एनिमेशन नहीं, रेंडरिंग में जाके इसको मटेरियल असाइन कर दिया हमने. सीरियस माया बहुत हैवी हो रहा है. क्यों हैवी हो रहा है? लेट मी जस्ट पॉज दिस. चलिए जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने और फिर हमारे बेस के लैम्बर्ट मटेरियल के अंदर अगेन ऑलवेज नेम योर मटेरियल. सो रोड पाथ रोड मटेरियल. चले इसको फिलहाल कर देते हैं रोड एंड इसको मटेरियल. नेमिंग इसीलिए क्योंकि आगे चल के जब आप इसमें ऑप्शंस में जाओगे तो फिर
सीन्स मर्ज होगा, हज़ार ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो फिर आपको मटेरियल्स को पहचानने में और क्लियर करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो आई वुड जस्ट चूज माया एंड लेट मी गिव इट ए सिंपल 2D टेक्सचर. सॉरी नॉट अर्नोल्ड, फिलहाल अर्नोल्ड पे हम नहीं जा रहे. यूजुअली आई शुड हैव एक्चुअली गॉन टू अर्नोल्ड. हैंग ऑन, सॉरी. कलर पे क्लिक किया, कलर पे जाने के बाद फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद लोड टेक्सचर. अब व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन इज कि मैंने कुछ टेक्सचर्स जो थे वो कॉपी करके अपने ब्लड ट्रबल जो हमारा प्रोजेक्ट नेम था उसके सोर्स इमेजेस के अंदर कॉपी कर दिए थे. ऑब्वियसली ये पूरा फोल्डर मैं आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो यू शुड हैव ऑल दीज फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल. यहाँ पे मेरे पास एक कुछ रोड्स के टेक्सचर्स होंगे अवेलेबल, ये बहुत सारे हैं. इसमें आई थिंक हमारे पास जो मेन आ गया, जो एक चीज़ मुझे बुरी लगती है कि माया ने यहाँ पे थंबनेल नहीं दिया हुआ, पता नहीं चलता है. यू हैव टू क्लिक ऑन ईच रोड पॉइंट टू फाइंड आउट कि किस रोड के टेक्सचर पर जा रहे हैं. सो दिस इज आई गेस व्हाट आई नीड. ओपन करा दिया टेक्सचर एंड प्रेस 6. ठीक है, तो आपके पास मटेरियल को जिस तरह से आ गया. अगेन यू वी मैपिंग नहीं की हुई थी, तो उस वजह से उसको हमने सिंपली सेलेक्ट किया. यू वी में गए एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट इफ आई हिट ऑटोमेटिक मैपिंग तो दैट शुड डू द 90% ऑफ द ट्रिक फॉर मी. फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं हुआ तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड. एक तरीका ये है कि उसके बाद भी आपको थोड़ा लग रहा है कि सही नहीं है, तो फिर व्हाट वी यूजुअली डू इज वी गो इनटू मैनुअल मैपिंग, एडिट, रीसेट सेटिंग्स और फिर वायर डायरेक्शन से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा. तो नाउ दिस शुड गिव अस अ मच बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्सचर इटसेल्फ दैट वी वांट. अब ऑब्वियसली इस टेक्सचर की किनारियाँ जो है वो थोड़ी सी स्क्यूड थी, तो मुझे वो नहीं चाहिए. तो सिंपली इस बॉक्स को पकड़ते हुए इन बॉक्सेस को हम टेक्सचर्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से क्या चाहिए. तो ये येलो लाइन आ गई सेंटर में दिस थिंग, नाउ इट बिकम्स रीजनेबली गुड इनफ टेक्सचर. इसको बंद किया, उसके बाद मटेरियल में जाके प्लेस 2D टेक्सचर एंड आई वुड जस्ट ट्राई टू रिपीट. UV में जाके हम इसकी टाइलिंग को देखेंगे. दिस इज वन, इसको 2x2 करा दिया ताकि ये वी डायरेक्शन में थोड़ा सा डबल टेक्सचर हमारे पास मटेरियल आ गया, दैट शुड बी फाइन. फिर फुटपाथ को मटेरियल देना है, तो मैं गोइंग टू फेस, एक ये फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया इस फेस को एंड देन शिफ्ट क्लिक ऑन फुल स्टॉप टू ग्रो द सिलेक्शन. तो सिलेक्शन हमारे पास ग्रो हो जाएगी एंड क्लिक ऑन दिस ताकि सिलेक्शन आपके पास ग्रो हो गई. देन अगेन आई वुड गो एंड असाइन अ न्यू मटेरियल टू दिस ऑब्जेक्ट, सेम पैटर्न. इफ आई गो इनटू माया, गिव मी अ लैम्बर्ट और इसको हमने नाम दे दिया फुटपाथ अंडरस्कोर मटीरियल. इस मटीरियल के मैप पे क्लिक किया एंड वी गो इनटू अ फाइल. आई थिंक मुझे रोड्स में याद नहीं पड़ा, मैंने तो प्रॉपर रखा था टाइलिंग का मटीरियल. लेट मी सी, आई थिंक एक ये मटीरियल है, वी कैन यूज दिस. या यूजली फॉर फ्लोरिंग टाइलिंग आई थिंक वी शुड हैव अ बेटर फुटपाथ मटीरियल इन दिस फोल्डर्स. इफ़ यू कैन जस्ट गो थ्रू, ये सारे मटीरियल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. बल्कि आई थिंक ऑलरेडी प्रोजेक्ट में आपके पास शेयर्ड हैं, अगर आप उसको उठाओगे तो यू फाइंड दिस मटीरियल ऑलरेडी देयर. ठीक है, ये बड़ी प्रेशियस कलेक्शन है, बट फाइंड दैम वेरी इंटरेस्टिंग. सो वी कैन यूज़ दीज मटीरियल एज अ फुटपाथ, लेकिन मुझे इससे अच्छा फुटपाथ का कुछ और था मटीरियल जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, या इस तरह के मटीरियल होते हैं, दिस वुड बी मच बेटर. तो डबल क्लिक करा दिया, ये मटीरियल आ गया. इसकी ऑब्वियसली टाइलिंग को मैं एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 5x5 कर दिया. आई नीड इट टू बी इन इंक्रीज इट मोर, तो 15x15 करा दिया. दैट शुड बी गुड इनफ ट्रिक. मे बी इसके पैटर्न को मैं 90 डिग्रीज में रोटेट कर दूँ ताकि मुझे जो था इस तरह से पैटर्न मिल जाएगा, तो लॉन्गर डायरेक्शन. इवन इफ़ यू फाइंड कि और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो 20 करा दिया हमने, 25 करा दिया एंड देन इसको 20 कर दिया. सो नाउ इट सीम्स रीजनेबली गुड इनफ मटीरियल. इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, ऐसा नहीं है कि आपके टाइल्स बहुत बड़े बड़े नज़र आ जाएँ तो वो फिर बहुत बुरे लगते हैं, या बहुत छोटे भी नज़र ना आए तो आपको बुरे लगते हैं. समटाइम्स डायरेक्शन हम सेट सही नहीं करते. नाउ यू कैन सी दिस का जो पैटर्न है हमारे पास रीजनेबली इनफ हो गया. अगेन यू कैन यूज़ एनी मटीरियल एज यू वॉन्ट, दैट इज़ नो बिग इशू. देन आई विल कंट्रोल एस, सेव करा दिया. अब ये सिर्फ रोड का एक पैच है, तो ऑलवेज रिमेंबर सीन्स में चले गए, मैं प्रॉप्स में जाऊँगा मैं, और यहाँ पर मैंने सेव करा दिया रोड PHECH पैच, या सिंपल रोड करा दिया. ठीक है, सो दैट वुड गिव मी अ सिंपल रोड मटीरियल. ये एक मेरा अलग से बन गया. मैं बेसिकली इस प्राइमरी को यूज़ करूँगा फॉर डुप्लीकेशन पर्पज. देन क्लिक ऑन न्यू सीन, तो न्यू सीन किया तो मेरे पास अब रोड उसमें बन चुका था, वो एज अ प्रॉप मेरे पास मौजूद है, ताकि नॉट ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट बट कि और अगर प्रोजेक्ट हम काम करेंगे तो मैं उसको बार बार यूज़ कर सकूँगा. उसके बाद अब वापस सीन बिल्डिंग में आ जाते हैं. तो नाउ एक्चुअली ट्रिक वी यूज़ इसके वी गो इन टू आइदर इम्पोर्ट करेंगे तो वही रोड का पीस हमारे पास आ जाएगा और फिर हम इसको डुप्लीकेट करके यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंस करके.
Second, sometimes we create reference, but because road objective and just reference ki zarurat nahi tha, we just go into import mein reference ko baad mein samjhata hu ki what exactly do you mean by that. Isi tarah se props ke andar agar aap jaoge folder jo humne last time create kiya tha, to maine yahan pe kuch aur folder files rakh di hain jo pre-built mere paas structures pade the, main bhi explain kar deta hu taaki ek ek cheez hame banane ki zarurat na pade. Again, mera sir, this is supposed to be records course, to main bilkul basics ki modeling karne nahi ja raha. Behrhal, to filhal maine road ko import kara diya isme. बात वही है, लेकिन इसका एडवांटेज मुझे ये मिल जाएगा कि नाउ आई हैव बेसिकली एक एसेट मेरे पास बना हुआ मौजूद है, ताकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस मुझे इसको दोबारा जरूरत ना पड़े ना. तो ये मेरे रूट का सेंटर पॉइंट आ गया. नाउ यू कैन हिट कंट्रोल डी एंड डुप्लीकेट दिस टू एज नंबर ऑफ एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. ठीक है, और दैट कैन क्रिएट अस गिव अस अ गुड नंबर ऑफ स्ट्रेट पाथ होल्डर वेरी इजीली. ये चीज़ यहाँ पे हो गई. उसके बाद लेट मी गिव इट वन मोर ब्लॉक. फिर यहाँ से मुझे एक्चुअली इसके टर्निंग पॉइंट एक क्रिएट करनी है. तो टर्निंग पॉइंट क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल वेरी क्विकली आई विल कम हियर और एक हमने सिलेंडर बना दिया था. सिलेंडर भाई किधर गया, किधर गया, किधर गया सिलेंडर. ठीक है, और इसको फिर मैं टॉप व्यू में चले जाते हैं. एफ प्रेस करा दिया एंड इफ आई कम बैक हियर, इसको यहाँ पर रखा. इस सिलेंडर का जो रेडियस था, इफ आई प्रेस फोर, आई नीड टू गो इन टू माई चैनल बॉक्स सिलेंडर, और फिर इसका जो रेडियस है वो मुझे थोड़ा सा सब्सटेंशली बड़ा करना है. बड़ा इतना कि इसका एक कंपोनेंट इधर तक और दूसरा कंपोनेंट इसके यहाँ तक आ जाए. ठीक है, तो इसको उठाकर मैं यहाँ पे रखा. आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड हियर रेडियस, और फिर इस रेडियस को बड़ा करते चलो. ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक ये कि फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है आपके फुटपाथ के एंड पॉइंट पर मैंने रख दी. ठीक है, और फिर रेडियस को बढ़ाते चले गए इतना कि मेरे पास जो सिलेंडर है वो मेरे इस सर्किल के जो रोड के जो दूसरा फुटपाथ था वहाँ तक आ जाए. ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ सिलेंडर बन जाएगा. सब डिवीजन एक्सिस है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि राउंड हल्का फुल्का हो जाए हमारे पास. फॉर एग्जांपल 25, दैट वुड डू द ट्रिक. देन हाइट, लेट्स जस्ट चेक दैट इन पर्सपेक्टिव व्यू कि मुझे हाइट कितनी चाहिए. तो डब्ल्यू हाइट को हम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 0.5. सब डिवीजन का हाइट, सॉरी कहाँ गया, ये रहा हाइट 0.5. अगेन फ्रंट व्यू, इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा. ये हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया. लेट मी जस्ट डू अ मैनुअल स्केल, दैट शुड डू द ट्रिक. यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रॉपरली अलाइंड हो, ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो. तो इसको हमने साइज एग्जैक्टली सेम एक्यूरेट करते हुए वापस टॉप व्यू में आ गए, राइट क्लिक किया, फेसिस में चले गए, एंड आई वुड सेलेक्ट ऑल दीज फेसिस एंड हिट डिलीट. सिमिलरली आई वुड सेलेक्ट ऑल दीज फेसिस, हिट डिलीट पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट मोड एंड प्लस 5. तो मेरे पास ये हाफ ऑफ अ वो आ गया, आपका लव ना करे रोड आ गया. कंट्रोल डी, इसकी डुप्लीकेट करा देते हैं हम. यहाँ पे लाके रखा, रोटेशन में गए एंड मैंने इसको भी रोटेट करा दिया. इसको हमने 180 डिग्रीज रोटेशन, सॉरी 90 डिग्रीज रोटेशन आई थिंक आ जाएगी. एंड देन वी कैन एडजस्ट दिस रोड हियर, राइट क्लिक टॉप व्यू. ठीक, और इसको आपने उठा के थोड़ा सा मैच करा देना है ताकि दोनों सेगमेंट्स आपके पास इक्वली हो जाए. ऑब्वियसली वी कम बैक हियर, कम बैक हियर, अल्टर दबा के आप, मैं इसको मूव कर रहा हूँ. अगेन ये माया के अंदर एक शॉर्टकट है, आपको अक्सर लोगों को नहीं पता चलता. इफ़ यू प्रेस अल्टर एंड यूज़ द एरो की और आपने ट्रांसलेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो बेसिकली नाउ यू कैन वेरी फाइन ट्यून द ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट से. इसको मैं फाइन ट्यून करते हुए ट्रांसलेट करके यहाँ पर रख देंगे, तो ये रोड का जो कर्व है हमारे पास के पास मैच हो जाएगा. ओनली प्रॉब्लम है कि इसके वर्टेक्स होते वो थोड़े से इस तरह से हैं, तो ये वर्टेक्स ग्रैब किया मैंने और इसको उठा के मैनुअली स्ट्रेट करा दिया है. दैट शुड ठीक है, तो वो छोटी मोटी थोड़ा सा एरर उसमें नज़र आएगा हमें, बट होपफुली अगर दूर से व्यू होगा तो वी गेट नो प्रॉब्लम होता है. तो ये हमारे पास नाइसली एक ठीक है. तो सी दिस बिकम्स अ वेरी नाइस वे ऑफ क्रिएटिंग राउंड कॉर्नर्ड रोड ब्लॉक्स. इसी तरह से यहाँ पे आ गए. इस लेट मी जस्ट रोटेट दिस टू 90 डिग्रीज माइनस 90 डब्ल्यू, और इसको हमने प्लेस करा दिया यहाँ पे. जस्ट चेक कि ऑब्जेक्ट आपका सही अलाइंड हो, टॉप व्यू में चले गए, एफ प्रेस किया, फोर दबा दिया, एंड देन अगेन यूज़ एरो कीज टू मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपरली अलाइंड हो. गो इन टू पर्सपेक्टिव व्यू, प्रेस 5, एंड ये चीज़ आपकी यहाँ पर सेट हो गई. ठीक है, सो देयर वी गो. तो हमारे पास दोनों पार्ट्स का टर्न आ गया. सो बेसिकली यहाँ पर मुझे एक स्ट्रीट लाइट रखनी होगी या कुछ इस तरह का, वी वॉन्ट टू प्लेस देयर. एंड देन वी वुड से कि भाई मेरे पास ये मेरा रोड का फॉर्म अब ब्लॉक कंप्लीट हो गया. सो इफ आई सेलेक्ट दीज टू
प्रेस 5 इवन बिफोर 6 तो हमारे पास रोड आ जाएगा सवाल इस माइक के इसको भी सेलेक्ट किया हमने एंड इफ यू वांट यू कैन गो एंड हिट ऑटोमेटिक मैपिंग राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मैप राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड एंड देन इफ यू वांट असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल तो सी फुटपाथ मटेरियल मेरे पास था आई कैन असाइन दैट बट ये पूरा ख़राब हो गया मीन बहुत बड़ा हो गया तो रिपीट यू वी में जाके मैं इसकी एक्चुअली मैनुअल प्लानर मैपिंग करूँगा एडिट रिसर्च सेटिंग्स हेड प्रोजेक्ट गलत इसको सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक मैपिंग नहीं मैनुअल प्लानर ऑब्जेक्ट एडिट रिसर्च दिस वुड बी फ्रॉम वाई एक्सिस और फिर इसके जो स्केल था वो हमें इतना बड़ा करना पड़ेगा मुझे मजबूरन में सॉरी कि ऑब्जेक्ट जो था आपका वो इसकी टाइलिंग जो थी वो मैच हो जाए वरना क्या हो रहा है कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है सो रफली आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं There we go. So now it approximately becomes the same thing. Right click object mode. ठीक है तो now you can see कि we have a very nice turning. सवाल इस point के अगर मैंने इसको यहाँ पे ये छोड़ दिया तो camera angles में ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी. We need to correct this as well. तो इसका फिर तरीकेकार भी वही होता है कि select these faces. Tick and अगर आप planar करना चाह रहे हैं तो Z से अगर मैं track करूँ तो this would give me this view if I click on X this would give me a reasonably better view फिर इसके साथ भी हमने फिर वही हरकत करनी है कि try to adjust the map size to a point कि आपका center हो गया ठीक है ताकि जो path का आपका option है वो ठीक है ये एक्चुअली मैनुअल तरीका है ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है बट इट गिव्स अ रीजनेबली गुड आई लुक ठीक है यही चीज़ मुझे एक्चुअली दूसरे के साथ करनी थी या फिर मैं मेहनत नहीं कर रहा इसी को सिलेक्ट किया कंट्रोल डी सॉरी डी डुप्लीकेट करा दिया डब्ल्यू प्रेस किया एंड देन वी कैन मूव इट बैक हियर इसको यहाँ पे रखते हुए इधर आ गए रोटेशन में चले गए वापस भाईजान को हमने 90 डिग्रीज में माइनस में रोटेट करा दिया एंड देन वी गो इनटू फॉर एग्जांपल टॉप व्यू प्रेस एफ डब्ल्यू दबा के मैंने इसको एडजस्ट करा दिया इधर ठीक इफ यू प्रेस 4 अल्टर एरो की से आप इसकी एग्जैक्ट अलाइनमेंट कर सकते हो अल्टर एरो की से इसकी एग्जैक्ट अलाइनमेंट हो गई राइट क्लिक पर्सपेक्टिव 5 6 तो नाउ यू कैन सी दिस कि मैं फुटपाथ जो है फ्रॉम द फार अवे डिस्टेंस ओके ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत अनोमलीज मौजूद हैं जैसे कि इफ आई रोटेट द कैमरा हेयर वी कैन सी कि थोड़ा सा बम्प है ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैमरा व्यू हमें पता है कि एज पर माई प्रोजेक्ट दिस वुड बी फार अवे सीन तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दोज बम्प्स एज वेल हाँ मे बी अगर मेरा कैमरा इतना करीब आ रहा है इस फुटपाथ के देन आई वुड बी इंश्योरिंग कि यार ये छोटे मोटे बम्प्स और क्रैक्स ना हो फिर वो वर्टेक्स या तो हम वेल्ड कर देंगे ज्वाइन करते हुए या वैसे भी थोड़ा सा उसको मैन्युअली वर्टेक्स मैचिंग कर देंगे फॉर दैट बाद में आते हैं पहले इन दोनों को सेलेक्ट किया कंट्रोल एस एस कराते हुए मैंने अप कर दिया अब दिस इज़ गोइंग टू बी माई मेन लोकेशन एरिया तो मैं प्रॉप्स में नहीं इसको लोकेशन में जाके रखूँगा मेरे पास स्ट्रीट लोकेशन सेव करा दी ठीक है तो अब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज माई फोल्डर्स एज वी गो अलोंग नाउ सम पीपल टेंड टू प्रेफर एंड दे कैन एक्चुअली कंबाइन दिस ज्योमेट्रीज टुगेदर क्योंकि मैं टेक्सचर कर चुका हूँ तो मैं इनको मैश में जाके कंबाइन भी कर सकता हूँ इफ़ यू वॉन्ट समटाइम्स मैं वैसे प्रेफर नहीं करता कंबाइनिंग को यूज़ करते हुए मुझे बड़ा चिढ़ लगती है इससे एक्चुअली बट बहरहाल यू कैन डू दैट एज वी गो अलोंग एंड देन इफ आई हैव दैट कंट्रोल डी डुप्लीकेट रोटेशन और इसको हमने रोटेट करा दिया 17-180 में ठीक है W तो ये मेरे पास इसका सेकेंड वे आ जाएगा एंड देन दैट शुड बी द ट्रिक अगेन इफ आई गो इनटू टॉप व्यू और किधर गया ये भाई मेरा F या ठीक है प्रेस 4 अल्टर एरो की से मैं इसको एक्चुअली एडजस्टमेंट को मेक श्योर करूँगा कि ये यहाँ पर आ जाए दैट शुड बी द ट्रिक पर्सपेक्टिव इसी तरह से सीधे सब हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे मुझे उसको सिर्फ ये वाला सेगमेंट चाहिए था तो मैंने इसको कंट्रोल डी करूँगा और इसको उठा के डुप्लीकेट करा के यहाँ पे रख दिया 5 अगेन गो इन टू टॉप व्यू 4 एंड नाउ एफ एंड देन जस्ट ट्राई टू एडजस्ट दैट तो अल्टर दबाते हुए एरो की से मैं इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करा दिया पर्सपेक्टिव प्रेस 5 दिस शुड डू द ट्रिक अल्टर डब्ल्यू इसको मैंने लॉन्ग करा दिया इफ़ यू वॉन्ट अब ये मेरे कर्व वाले थे ये मेरे सिंपल वाला हो गया
So that should do the trick. Again, ye pe buildings piche aa jayenge, that will not worry for me at all. If you want, you can create a curved road here, ki yahan se road jo tha aapka curve ho ke turn ho jata hai. Yeah, road basically ends here and then you can do whatever you want. Obviously, road is tarah se bilkul dead end pe nahi jana chahiye, there must be a turning point as well. So we can select another point here, control D, and we can say ki my road is basically curling away to this point. और इसको भी हम फिर कोशिश करते हैं कि मैच करवा दें 4 एंड स्टीयरिंग अप्रॉक्सीमेटली इसको हमने यहाँ पर सेट करा दिया एंड देन इस पॉइंट को हम ठीक है दैट शुड नॉट फाइन ये चीज़ आ गई कंट्रोल डी इसको भी उठा के मैंने यहाँ पे करा दिया बिकॉज मैं मॉन्स्टर मुझे दिखाना है कि वो दूर से चलता हुआ आ रहा है तो फिर हमें जो इन्वायरमेंट का सेटअप ऐसा दिखाना है कैरेक्टर हमारा दूर से चलता हुआ भी आ रहा है और उसको इतना डिस्टेंस देना भी है कि वो हमें शॉर्ट नज़र आ सके ठीक है वंस दीज टू आर डन आई थिंक व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको सेलेक्ट किया अगेन मैश इनको उठा के हम कर देंगे सेपरेट सीधे इसीलिए मैंने कहा कि मुझे मैश कंबाइन अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब आपको ये प्रॉब्लम्स आती है कि आपको बार बार कंबाइन सेपरेट तो यूजली आई जस्ट लीव द ऑब्जेक्ट सेपरेटली वो मेरे लिए ज़रा काम करना फिर आसान है ठीक है वंस वी हैव दैट राइट क्लिक मैं चला जाऊंगा एज के अंदर आई वुड सेलेक्ट दिस एज इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस एज तो ये पूरा लूप पूरी बॉर्डर को सेलेक्ट कर देगा व्हाट आई नीड इज आई जस्ट नीड दिस एज एंड शिफ्ट क्लिक ऑन दिस अगेन ये पूरा बॉर्डर सेलेक्ट कर देगा दिस आई डोंट वॉन्ट तो या तो आप मैन्युअली जाओ लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसमें बेवेलिंग की हुई है तो आप या तो टीम वो क्लिक आपको थोड़ा सा जूम इन करते हुए यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे ठीक है एंड इसी तरह से आई हैव टू गो ऑन द अदर साइड इस एज को सेलेक्ट किया इस एज को सेलेक्ट किया इस एज को सेलेक्ट किया ये तीनों एज सेलेक्ट हो गई हैं देन आई वुड गो इनटू एक्सट्रूड सॉरी तो फिर उसको पाथ को बंद कर देगा कंट्रोल जेड जस्ट दीज एजेस ठीक है सिर्फ इस साइड को सेलेक्ट करते हुए एक्सट्रूड में जाएंगे एंड वी कैन एक्सट्रूड एंड फिनिश इट ऑफ हियर ठीक है तो 5 जब प्रेस किया तो बेसिकली मेरे पास कुछ इस तरह से मेरा पैच कंप्लीट हो गया एंड देन आई वुड सेलेक्ट दिस पैच एंड हिट एक्सट्रूड And then I can say कि ये पैच यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया सो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रीट डेड एंड यहाँ से या तो लेफ्ट जाना होगा या राइट जाना होगा एंड फॉर प्रेस 6 तो मेरे पास मेरा मटीरियल्स सेटअप हो जाएगा कम्प्लीट फाइनली बचा ये वाला पैच तो इसको ऊपर आप या तो इसी को एक्सट्रूड करा दो या समटाइम्स व्हाट वी डू इज के वी जस्ट सेलेक्ट दिस प्लेन कंट्रोल डी डुप्लीकेट करा के यहाँ पे ला के रखा एंड बिकॉज ऑफ अगर आप रिमेंबर इफ़ यू स्केल इट डाउन तो टेक्स्चर आपका स्ट्रेच हो जा रहा है इफ़ यू नीड दैट दैट इज़ फाइन इफ़ यू डोंट नीड दैट मेक श्योर कि अगर आप इस तरह से ना करो फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्चर को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा कि इस पॉइंट पर मुझे टेक्स्चर ज़्यादा आपका स्क्यूड नज़र ना आए या डिफरेंट टेक्स्चर भी हम दिखा सकते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे स्क्वायर्स आते हैं तो वहाँ पर फुल पाथ पर टेक्स्चर आपका चेंज हो जाता है यू कैन डू दैट अगर आपको स्केल नहीं करनी इन अदर वर्ड्स अगर आप सेल कर रहे हो एडजस्ट कर रहे हो और उसको री टेक्स्चर असाइन कर रहे हो दैट इज़ फाइन अगर आप स्केल नहीं करना चाह रहे तो फिर कंट्रोल जेड डिलीट डुप्लीकेट करके मैंने अपने पहले इस ऑब्जेक्ट्स को फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार दिस शुड बी एडजस्टेड टू दिस पॉइंट यहाँ से रखा लेकिन ये जो पॉइंट था मुझे नहीं चाहिए था यहाँ से इसको कट करना है तो फिर हम सिंपली क्या कर देंगे सॉरी 4 एंड वी कैन गो इनटू माय वेयर इज़ माय टूल बॉक्स मॉडलिंग टूल किट और यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल किधर गया मेरे भाई इधर नहीं रहा मैश टूल्स इंसर्ट एज लूप टूल ये ऑप्शन इसको क्लिक किया एंड मैं यहाँ से एक एज लूप टूल इंसर्ट कर देंगे देन राइट क्लिक गो इनटू फेसेस एंड जस्ट सेलेक्ट दीज फेसेस एंड हिट डिलीट तो इससे क्या होगा कि आप क्या ज्योमेट्री स्केल नहीं होगी वही ज्योमेट्री मैंने डुप्लीकेट कर दी एंड दैट शुड डू द ट्रिक देन ऑब्वियसली ये फुटपाथ के कंपोनेंट्स मुझे नहीं चाहिए थे तो इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट फुल स्टॉप तो ये ग्रो सिलेक्शन कर देगा आपके पास एक्सेप्ट दिस तो डिलीट करा दिया तो फुटपाथ का वो वाला हिस्सा भी डिलीट हो गया सिमिलरली इफ आई सेलेक्ट दिस तो 1, 2, 3 या तो मैन्युअली क्लिक कर दिया तब भी ठीक है वरना शिफ्ट ग्रो मुझे बड़ा आसान से कन्वीनियंट लगता है देन आई वुड जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ स्केलिंग हियर ताकि ये फुटपाथ सेंटर पर मेरे पास एडजस्ट हो जाए नाउ रिमेंबर इसको आप चाहो तो सेपरेट मटीरियल भी दे सकते हो कंट्रोल एस फाइल को सेव करते चलें अदरवाइज यू कैन जस्ट गिव इट अ सेम मटीरियल तो ये मेरे पास सेम मटीरियल से सेम टेक्सचर आ गया ठीक है वी कैन यूज़ दिस एज वेल और एज वी सेड के समटाइम्स हम जो है क्या करते हैं कि इसको इस पर्टिकुलर एरिया को अलग मटीरियल दे देते हैं तो लेट्स डू दैट एंड वी गो इनटू रेंडरिंग
और रेंडरिंग में जाने के बाद या उसको फिर बाद में देखते चलो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस मॉडल मॉडिफिकेशन वेरी गुड मटेरियल असाइन कर देते हैं इसको और मटेरियल 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 किधर गया भाई यस असाइन न्यू मटेरियल और सॉरी ऑब्जेक्ट मोड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया असाइन न्यू मटेरियल असाइन न्यू मटेरियल करते हुए हम आ जाएंगे इस भाई के शेडिंग नोट्स के अंदर अब एक चीज़ ये कि आई लाइक टू क्रिएट माय ओन शेल्फ एज आई गो अलॉन्ग टू लेट मी जस्ट क्रिएट न्यू शेल्फ और जो टूल्स हम बार बार यूज़ कर रहे हैं मैं उनको जो है यहाँ पे रखता जाता हूँ फॉर एग्जांपल विंडोज रेंडरिंग एडिटर्स और एक चीज़ कहलाती है हमारे पास शेडिंग ग्रुप एट्रीब्यूट्स तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जब इस पर आप क्लिक करोगे तो दिस मेन्यू कम्स हियर व्हाट दिस विल डू इज के सून एज यू क्लिक तो उस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट एडिटर में मटीरियल प्रॉपर्टीज खोल देगा तो ये मैं रोड सेंटर पॉइंट कर लेते हैं आई गेस सेंटर अंडरस्कोर मटीरियल इस मटीरियल पे चले गए अगेन फाइल सेलेक्ट की हमने फाइल 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 यस ठीक फाइल नोट के अंदर चले गए गो 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 क्यों नहीं जा रहा भाई चलो भाई जान थैंक यू आई गेस कुछ इशू हो रहा होगा ठीक है माया जो था हमारे पास मैंने वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग ये प्रीवियस 16 में भी बहुत बड़ा सीरियस इशू था हमारे पास कि माया जो है हमारा स्टार्टेड टू क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स स्पेशली इफ वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी वही चीज़ इसकी दोबारा हो गई इफ आई सेलेक्ट दिस गो इनटू इट्स शेडिंग ग्रुप नेटवर्क सी नथिंग इज हैपनिंग नाउ आई कम बैक हियर वी गो तो हमने यहाँ पे अब ये जो सेंटर पॉइंट था इसका फुटपाथ का जो मटेरियल है वी कैन चूज यूजुअली अगेन एज़ आई सेड माया थंबनेल नहीं देता ये इसकी बहुत बुरी आदत है जिससे भी पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो रूट 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 फुटपाथ 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 यू कैन यूज दिस मटेरियल एक्चुअली ये ब्रिक्स वाला मुझे अच्छा लगा लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव अ ब्रिक 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 ये भी नहीं है ब्राउन मटीरियल जस्ट लाइक दिस हम ये भी दे सकते हैं ये भी दे सकते हैं यूजली इसमें ये ब्रिक्स हो जाती है रेड ब्रिक्स का मटीरियल इसमें असाइन करा दिया एंड इफ आई प्रेस 6 हो जा भाई क्यों नहीं हुआ सीरियस ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए हमने राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटीरियल एंड रोड सेंटर 6 इसके ऊपर कोई यूवी का इशू है प्लानर मैपिंग वॉइस हमने मैप करा दिया फिर भी अब आ गया ठीक है सो बेसिकली इसी प्रीवियस इशू में मटेरियल नज़र नहीं आ रहा था आई गेस सिंपल इशू जो था उसका वो यूवी मैपिंग का था तो वी जस्ट गो इनटू इट हिट प्लानर मैपिंग वाई एक्सिस से प्रोजेक्ट करा दिया तो प्लानर मैपिंग आ गई अब टाइलिंग बढ़ानी है तो इसी में ही आप जो गिज़्बो था इसको सेलेक्ट करते हुए यू कैन स्केल इट डाउन टू एडजस्ट कि आपकी मैपिंग कितनी होनी चाहिए रिमेंबर अब इसके भी अगर आपने बहुत बड़ी रख दी तो दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज हमने यहाँ पे टाइलिंग बहुत छोटी की हुई और ये बहुत बड़े बड़े टाइल रोड पे नहीं होते तो वी कैन जस्ट रिड्यूस दिस बहुत छोटे भी नहीं अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा कि इसी साइज़ के हिसाब से मैं मैच करने की करते हैं तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं आई थिंक दैट शुड बी परफेक्ट ठीक है तो दैट वुड लुक नाइस ऑन माय राइट क्लिक पैनल देयर वी गो एंड इफ़ यू वांट सेंटर पे हम फुटपाथ को चीज़ और बना देते हैं लेट मी डू वन मोर हरकत इफ आई क्रिएट अनदर सिलेंडर वेयर इज आवर सिलेंडर देयर इट इज इस सिलेंडर को उठाया हमने यहाँ पे ले आए एंड एट द सेंटर लेट मी गो इनटू इट्स चैनल बॉक्स फैन भी क्या है हाइट को हमने करा दिया और 1 एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक दैट शुड बी इनफ और फिर कंट्रोल एस ऑप्शन बॉक्स अब मेरे पास इसमें एक और चीज़ मौजूद है माया में मैंने आपको बना के रखी थी आई कैन यूज़ द इम्पोर्ट बट लेट मी क्रिएट अ रेफरेंस या लेट्स बी इम्पोर्ट क्योंकि उसका इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा सो यस यस लेट्स बी क्रिएट अ रेफरेंस सो इफ आई गो इनटू इट क्रिएट अ रेफरेंस अब रेफरेंस क्या करता है इम्पोर्ट से एक्चुअली उसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल डुप्लीकेट आपके सीन में आ जाती है विच इज़ ओके अगर आपने ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ नहीं करना या आपने इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करनी इन माय केस व्हाट आई वांट के रेफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो वो एक्चुअली उस ओरिजिनल फाइल में से ऑब्जेक्ट का सिर्फ इंस्टेंस लेकर आ जाता है तो उससे ये होता है कि लेटर ऑन यू कैन गो एंड चेंज द ओरिजिनल फाइल तो ऑटोमेटिकली आपके सब फाइल जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे तो इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है रोड स्टॉप लाइट्स ठीक विच इज़ द सेंटर पे जो सिग्नल्स आते हैं
और लेकिन ये टेक्सचर नहीं है, जस्ट मॉडल है, तो मैं बाद में इसको टेक्सचर करना चाहूँगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द टेक्सचर इन द दिस मेन सीन फाइल, मैं एक्चुअली चाहूँगा कि मैं ओरिजिनल में जाकर एडिट करूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ताकि मैं इस रोड साइन को फिर किसी और प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करना पड़े तो मैं यूज़ करूँ, मुझे हर सीन में अलग अलग टेक्सचर ना करना पड़े. तो वी यूज़ रेफरेंसेज फॉर दैट, एंड प्रोफेशनली रेफरेंसेज के बहुत एडवांटेजेस हैं. मैं अभी आगे इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट. सो आई गो इनटू क्रिएट रेफरेंस एंड देन कहाँ गया भाई जान, विंडो ओपन हो जानी चाहिए. विंडो चलो ओके. सो बेसिकली व्हाट इट डिड वाज इट क्रिएटेड अ रेफरेंस फॉर मी ऑफ द स्ट्रीट लाइट पोल. अब बेसिकली मैं भी सीन ऑर्गेनाइजेशन पे गया नहीं हूँ, मैं इसको वेरी क्विकली बात करता हूँ. बट लाइक आई सेड, ये मेरे पास एक मॉडल बना हुआ है, सिंपल पोल, नथिंग फैंसी. और फिर सिलेंडर्स को हमने कट करते हुए स्पेयर्स अंदर डाले हुए हैं, एंड देन चिट्स लगाई हुई हैं इसकी, ताकि वी हैव अ वेरी सिंपल रोड साइन. और फिर इसको हमने ग्रुप करा दिया अंडर वन कंट्रोल. नाउ रिमेंबर दिस इज़ रेफरेंस, ताकि मैं इसके अंदर जो टेक्सचरिंग होगी वो बाद में ओरिजिनल फाइल के अंदर करेंगे हम, और फिर ये चीज़ मेरे यहाँ पे इसलिए अवेलेबल हो जाएगी बिकॉज माय सीन इज गोइंग टू बी दिस वे. तो मैं इसके आ जाते हैं हम चैनल बॉक्स, कहाँ गया भाई मेरा, इसको -90 दे दो, 90 ओके, -180 आई गेस, कुछ इस तरह से ठीक है. डब्ल्यू और इसको उठा के हमने इसके सेंटर पे यहाँ पे प्लेस करा दिया. इफ़ यू वांट यू कैन हैव मोर लेस स्ट्रीट लाइट्स. फिलहाल मैंने कह दिया कि दिस शुड बी वन लाइट, एंड इसकी डायरेक्शन में फेस करवा देते हैं हम इस तरह से ठीक है. दिस वुड बी -90, देयर वी गो. ठीक है, तो हमारी स्ट्रीट लाइट भी आ गई, लोकेशन भी आ गई, एवरीथिंग इज़ गुड एंड डैंडी. ऑब्वियसली इसको टेक्सचर मैं कहा, मैं रेफरेंस मोरिज में जाके करूँगा. सो बेसिक मेरे पास स्टेज मेरे मॉडल का सेट हो गया. आई हैव अ बेसिक एनवायरनमेंट एंड नाउ इट अलाउज मी कि मैं इसमें से बिल्डिंग्स और एनवायरनमेंट लोकेशन का जो बेसिक सेट था वो कंप्लीट करूँ. फाइल एस, ये स्ट्रीट लोकेशन हमारी कंप्लीट हो गई. ऑब्वियसली अब जो इसमें फाइनल चीज़ रहती है बिफोर वी क्लोज इट ऑफ इज कॉल्ड विंडो. इफ आई गो इनटू आउटलाइनर, ठीक है, तो हमारे पास आउटलाइनर आ जाएगा. नाउ मैनेजिंग एन आउटलाइनर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल. आम बंदे इस पर ज़्यादा काम नहीं करते. एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका आउटलाइनर इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, एज वेल एज नेमिंग योर ऑब्जेक्ट्स. तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास था रोड प्लेन वन, ठीक है. अगेन इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे वापस आ जाओ. दिस शुड बी फॉर एग्जाम्पल RORD रोड अंडरस्कोर वन. इसी तरह से दिस बिकम्स माई RORD रोड अंडरस्कोर टू. Then this becomes my ROAD road underscore 3. Naming extremely important, ताकि आपके scene देखो अभी इस time पूरा कचरा हुआ पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. तो मैं ROAD road center इसको नाम दे दिया. This again becomes my ROAD road underscore 4. ठीक, this becomes my ROAD road underscore 5. Similarly, this becomes my ROAD road underscore 6. अब हम ये नेमिंग शुरू में भी कर सकते थे लेकिन नहीं की, तो उसकी वजह से अब हमारे पास ये सारा हेडेक जो है वो उठाना पड़ रहा है. इफ़ वी वुड हैव डन दैट मैन्युअली प्रीवियसली, तो ये चीज़ एक दफ़ा फर्स्ट रोड पे करते थे तो डुप्लीकेशन में फिर हमारे सारे नेम ऑटोमेटिकली करेक्ट हो चुके होते. रोड अंडरस्कोर दिस वुड बी फॉर एग्जाम्पल 8, एंड पॉइंट हम दे देते हैं, और ये हम दे देते हैं RORD road underscore 9, ठीक है, ताकि एंड में मुझे पता चले कि ये दो नाम जो है रोड्स के एंडिंग में है. सो वी हैव एवरीथिंग रिकग्नाइज. नाउ इफ आई कम बैक इन टू दीज थिंग्स अगेन, ये तो ग्रुप था ऑलरेडी मेरे पास, दैट बिकम्स फाइन. ये भी ग्रुप था, फाइन. आई थिंक जो चीज़ मिसिंग थी, इफ़ यू कम हेयर, तो ये मेरे पास आ गया रोड राउंड कॉर्नर एंड अंडरस्कोर 1. इस नाम को हमने कॉपी करा दिया. सेम थिंग इफ़ आई कम हेयर, और ये अंडरस्कोर 2 हो जाएगा. ठीक. सो बेसिकली नाउ एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड. फाइनली इफ़ आई कम बैक हेयर स्टिल, इफ़ आई सेलेक्ट दिस, तो ये ग्रुप नोड के अंदर आ रहा है. मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट करूँ तो ये प्लेन में आ रहा है, क्योंकि रिमेंबर हमने पहले इनको कंबाइन किया था, फिर अनकंबाइन किया, तो उसने सारे सीन को बेड़ागढ़ कर दिया. दिस इज़ बिकॉज इसके साथ अभी भी हिस्ट्री नोड्स अटैच्ड हैं, और देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट. हिस्ट्री से अगेन हमें पता होना चाहिए कि जब माया में काम करते हैं तो हिस्ट्री बनती जाती है. तो एक ऑप्शन हम अगेन ये करते हैं, इफ़ आई गो इनटू माय टूल्स, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, कंट्रोल शिफ्ट एंटर. आई लाइक टू यूज़ हिस्ट्री अ लॉट,
means mein apne objects banane ke baad uski history delete kar do banane ke baad history delete kar do kyunki jaise aapne isko combine kiya tha to wo uski history bana deta hai aur group nodes aa jaate hain so now you see this kaafi sara jo kachra tha wo aapka chala gaya isi tarah se history nodes unki delete kara di now I only have these planes available finally what I do ki ye charo planes is plane inko humne kiya select theek hai this everything is selected and then hit control g g karne ke baad maine road str streets ठीक एंड इनफैक्ट स्ट्रीट्स अंडरस्कोर जी आर ओ यू पी ग्रुप नाम दे दिया कि मेरी तमाम स्ट्रीट्स इसके अंदर हैं एक्सेप्ट दिस वन सिंगल सिलेंडर ठीक है ये भाई मौजूद है यहाँ पे इसका भी नाम हमने दे दिया स्ट्रीट लाइट बेस ठीक एंड इसको भी उठाया इधर ही और देन मेरे पास ये ऑलरेडी रोड का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ था वो यहाँ पर आ गया इसको भी उठाया इन दोनों को उठाया स्ट्रीट ग्रुप के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया फाइनली ये दो एम्प्टी ग्रुप नोड्स रह गए नाउ दिस एम्प्टी ग्रुप नोड्स आर देयर इनका सिर्फ ट्रांसफॉर्म नोड्स कहलाती हैं ये दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट ये कचरा नोड्स हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हैं सो वी नीड टू डिलीट दैम मैनुअली फाइनली आ गया रोड वन आई थिंक ये भी ग्रुप से रह गया था जिसको भी उठाया ड्रॉप किया नाउ इफ आई गो इन टू माई ग्रुप तो यू कैन सी दिस क्या हैव रोड वन रोड टू थ्री फोर फाइव स्ट्रीट बेस स्ट्रीट कॉर्नर्स स्ट्रीट एंड everything is inside my group along with the street light aur isko humne ban kar diya theek and this becomes a very neat and nice and clean area for my scene to work with to make sure ke aap choti choti cheeze karte jaye groups ko banate jaye history delete karte hue aap make sure karo ki uski jo blank nodes banti hai wo delete kare taaki scene aapka organized rahega aur file size kam rahegi ye extra nodes file size badhati hain is maya ko heavy kar denge and it will start creating lot of problem for you तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ नेक्स्ट पॉइंट में वी स्टार्ट पुटिंग बिल्डिंग्स एंड मॉड्यूल्स और लोकेशंस इसको कंप्लीट करते हैं चलो सी यू देन थैंक यू वेरी मच